हेलो गाइस, होप यू डूइंग वेल। सो मैं फाइनली अब जाके शादी के सारे कामों से फ्री हुई हूँ, शादी से फ्री हुई हूँ। एंड एज यू नो, बहुत फन तो था ही, बट बहुत स्ट्रेसफुल भी हो जाता है साथ साथ, एंड अ लॉट ऑफ पेन, बॉडी पेन्स ऑल्सो, बिकॉज लेट नाइट्स हैं, अर्ली मॉर्निंग्स हैं, बैक टू बैक काम है, बैक टू बैक फंक्शंस हैं। सो एंड यू ऑल्सो नो कि मैं स्पा रेगुलरली लेती रहती हूँ। तो इस बार आई हैव डिसाइडेड टू टेक डीप टिश्यू मसाज, पेन रिलीफ मसाज फ्रॉम अर्बन कंपनी। एंड मैंने बहुत अच्छे रिव्यू सुने हैं, सो आज मैं भी ट्राई करने वाली हूँ। एंड अब मैं फाइनली बैठ के बुकिंग करूँगी उनकी, एंड देन वील हैव द मसाज। सो माई मसूस वॉज राइट ऑन टाइम, इन फैक्ट 15 मिनट्स पहले ही आए थे सारा सेटअप करने के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट, वो अपनी मसाज टेबल खुद लेके आए हैं। सो मसाज टेबल में जो एक सेंटर में होल होता है ना, दैट इज़ वेरी नेसेसरी टू गेट अ रियली गुड मसाज एंड अ गुड स्पा। उससे आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है, जो चीज़ अपने बेड पे नहीं हो पाती। सो ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस सब कुछ सैनिटाइज करा उन्होंने मेरे सामने, फिर जो उन्होंने सेटअप करा वो सारे डिस्पोजेबल्स यूज़ कर रहे थे, सो दैट इज़ हाइजीनिक। प्लस सब ऑयल्स, फ्लावर्स एंड कैंडल्स दैट शी यूज्ड, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैं एक्चुअल किसी स्पा रूम में ही हूँ और सब कुछ बहुत ऑथेंटिकली हो रहा है। ये पूरी 90 मिनट्स की मसाज थी और पूरे बॉडी के हर एक पार्ट को इन्होंने मसाज करा, एक एक मसल, एक एक प्रेशर पॉइंट को प्रेस कराए। सो आई थिंक जहाँ भी पेन पॉसिबल हो सकता है वहाँ पे सारा इन्होंने रिमूव किया, सारे प्रेशर पॉइंट्स दबा के अच्छे से मसाज करके। एंड ऑफ कोर्स हेड मसाज और फेस मसाज से रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा होती है, सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को भी अगर अर्बन कंपनी से अपना अपॉइंटमेंट बुक कराना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। पीयूष 300 आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो फॉर फ्लैट 300 ऑफ ऑन योर फर्स्ट स्पा। सो गाइस, द स्पा इज़ डन एंड एक्चुअली मैं बहुत रिलैक्सिंग था, आपको देख के पता लग रहा होगा मैं बहुत रिलैक्स हूँ। और डीप टिश्यू पेन रिलीफ जो था वो एक्चुअली में मेरे को फील भी हो रहा है, जो आर्म्स और लेग्स में थोड़ा बहुत पेन रहता है मेरा वो भी अब रिलीव्ड है। और ओवरऑल बहुत अच्छी सर्विस थी एंड आई एम सो सो रिलैक्स्ड। दिस इज नीराज 5 फेवरेट आइटम्स पार्ट 2। पार्ट 1 के लिए यू कैन विजिट आवर यूट्यूब चैनल एंड वॉच इट। सो इसमें वीडियो में खाने की रेसिपीज भी हैं, यू कैन वॉच इट एंड गेट टू नो कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, उनको कैसे बनाया, उसमें क्या क्या डाला है, एंड नीरा कितना उन्हें इंजॉय करती है हर क्यूट शेनानिगंस वाइल ईटिंग फूड, ऑल ऑफ इट इज देयर। सो गाइज, हियर समथिंग न्यू दैट आई एम ट्राइंग टुडे, दिस इज दाल का परांठा। इसमें मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता, धनिया, मेथी भी डाली है एंड मूंग दाल को गूंदा है आटे के साथ एंड अ लिटिल बिट ऑफ घी। और एज आई सेड, हम लोग होममेड घी में ही सारा खाना बनाते हैं नीरा का, सो ये होममेड घी में ही सिका हुआ है एंड लेट्स सी हाउ इट टेस्ट्स। न्यू, हाउ इज इट? You like it? Yay! इसका मतलब नीरा को पसंद आया है, वो खुद से खा रही है। तो ये है नीरा की एक और फेवरेट आइटम, बेसन शीला विद घिया। तो इसमें घिया कस के डाली हुई है ग्रेट करके, इसमें सॉल्ट है, धनिया पाउडर है एंड जो बैटर है इसका घिया है, थोड़ा बहुत मैं कस्तूरी मेथी भी डालती हूँ, धनिया भी होता है। सो नीराज लंच इज रेडी, नीरा सो एक्साइटेड। नीरा खा लो बेसन शीला, मैं तोड़ के दे छोटा छोटा, खा लो, हैव इट।
शी इज सो एक्साइटेड. नीरा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है. नीरा का मतलब ये है बढ़िया है, अच्छा है. चलो बाकी का फिनिश करो. ओके गाइस, सो नेक्स्ट है ये हमारी खानदानी फेवरेट डिश पोहा. मुझे भी बहुत पसंद है, माई ब्रदर ऑल्सो लाइक्स इट. मेरे घर पे बहुत बनता है एवरी सेकेंड डे इनफैक्ट, एंड लकीली नीरा को भी बहुत पसंद है. सो पोहा में मैं वेजीज काफ़ी डालती हूँ, अनियन, टमेटोज, मटर, आलू, पीनट्स वगैरह भी. पीनट्स नीरा को तो नहीं देती अभी, गले में अटकने का डर रहता है. बट वेन आई मेक इट फॉर माई सेल्फ तो मैं बहुत चीज़ें इसमें डाल के, पोहा और वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट इक्वल क्वान्टिटी में होती हैं. तो नाउ नीरा इज गोइंग टू हैव इट. नीरा हैव इट, हैव इट. Yum yum. So नीरा को हेल्दी आइटम्स तो मैं काफी देती रहती हूँ. आज नीरा को पिज्जा देना ट्राई करते हैं, बिकॉज आई बिलीव अ किड शुड हैव एवरीथिंग, थोड़ा बहुत जंक भी, थोड़ा बहुत हेल्दी भी. तो नीरा ने पिज्जा कभी खाया नहीं है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है. यू हैव इट. आई थिंक शीड बी मोर इंटरेस्टेड इन वेजीज, बिकॉज नीरा को वेजिटेबल्स बहुत पसंद है. सो गाइज, नीरा को पिज्ज़ा तो नहीं पसंद आया, बट मैं इसके लिए वेजी सौते करके इसको खिला दूंगी, बिकॉज शी रियली लाइक्स वेजिटेबल्स. सो ये नीरा की सौतेड वेजीज रेडी हो गई, एंड अब नीरा खाने वाली है. सो गाइज, नेक्स्ट इज दिस बैटर. इसमें मैंने डाला है सूजी, दही, प्याज, टमाटर, आप कोई भी वेजीज डाल सकते हैं, राई और थोड़ा सा हींग. अब इसके अप्पे बनाने वाले हैं हम लोग, तो ये अप्पा मेकर है. इसके अंदर थोड़ा सा बैटर पोर करके थोड़ी देर सिकने देंगे. ओके गाइस, तो अप्पे रेडी हो गए, एंड अब नीरा को सर्व करते हैं. सो वो थी पूरी वीडियो ऑफ नीराज फाइव फेवरेट आइटम्स, क्या क्या मसाले मैं यूज करती हूँ, हर चीज कैसे बनती है, नीरा क्या क्या खाती है, उसका पूरे दिन का ईटिंग स्केड्यूल. होप यू गाइज लाइक डेट. आप लोगों के कहने पे मैंने पार्ट टू बनाया है, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू. डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट माई वीडियो बाय शेयरिंग इट एज मच एज पॉसिबल. कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब करो यार. आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड आई रियली वॉन्ट योर सपोर्ट फॉर आर व्लॉग्स एंड आर वीडियोज टू गेट मोर रीच, एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर मोर मदर्स. सो कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग. बाय बाय.